Hello students, so I hope You all are इन योर स्टडीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रोज आने वाली पंजाब की डीएचएस की जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की साथ ही साथ जी एम सी एच एंड बी एफ यू एच एस बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी की आने वाली वैकेंसीज की प्रेपरेशन सो so, बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लाइक सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं है क्योंकि जो वैकेंसीज हैं आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी तो प्रेपरेशन अपनी फुल ऑन स्टार्ट कर दीजिए हर एक चीज़ को क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए रोज तीन यहाँ पे वीडियो वीडियो आती है, सो so, रोज़ ट्राई करो वीडियो देखने का, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है ऑन हमारी हमारे थ्री बैचेस जो है चल रहे हैं दैट इज बैच इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एम सी क्यू बैच एंड फुल थ्यूरी ऑल इन वन बैच ठीक है सारे बैचेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस टाइम चल रहे हैं एम सी क्यू बैच सेवन डबल नाइन टू मंथ्स का बैच है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एम सी क्यू बैच जो है वन फाइव डबल नाइन थ्री मंथ्स का बैच है और फुल थ्यूरी जो है टू फाइव डबल नाइन फोर मंथ्स का बैच है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं पूरी प्रेपरेशन अकॉर्डिंग टू जो आने वाले डी एच एस जी एम सी एच एंड पी जी आई एंड बी एफ यू एच एस की वैकेंसी है उसके हिसाब से करवाई जा नंबर आपके पास है आप कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं हैं सो अपने पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इमीडिएट क्या ट्रीटमेंट होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जब आपके वेंट्रिकल्स जो है अनसिंक्रोनाइज्ड वे में जो है वो आ, पंप आउट करते हैं ब्लड कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होते हैं ठीक है अनसिंक्रोनाइज मतलब उनमें कोई सिंक नहीं होता कभी भी लबडब हो रही है ठीक है सो so, उसके लिए आप इमीडिएट क्या करते हो एडमिनिस्टर करते हो डीफिब्रिलेटर एडमिनिस्टर एंटी ड्रग्स या फिर ऑल ऑफ सो हम उसके लिए डीफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं जो कि हमारा Uh, रिदम्स जो है अनसिंक्रोनाइज हुई हैं उससे जो रिदम्स हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट है अनर्स इज प्रोवाइडिंग सी पी आर टू द पेशेंट आफ्टर कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रेस्टिक्टेड सो रेस्टिक्युएटेड किया है आपने किसी को टिकेट e किया है मतलब कि उसको जो आ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अरेस्ट हुआ था उससे वो प्रॉपरली बच गया है जब आपने सीपीआर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सीपीआर है प्रॉपरली वर्क किया है और जो हमारा पेशेंट है वो रेस्टी मतलब प्रॉपरली वो क्या हो चुका है प्रॉपर्ली हमारे से अब वो ठीक हो गया है थ्रू द सी पी आर पॉजिटिव वेम्स की रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई पालपेबल कॉरेटेड आर्ट पल्स या फिर आर्टरी बोल सकते हो एंड इक्वल एंड रिएक्ट टू लाइट सो जब आपकी कैरोटेड पर्ल्स जो है क्या होगी पालपेबल होगी ठीक है वैसे भी अगर किसी को आप सी देने जा रहे हो तो लिख लेना कैरोटेड आर्टरीज ही आप चेक करते हो फॉर फाइव सेकेंड्स ठीक है फाइव सेकेंड से ऊपर ज्यादा नहीं चेक करते और अगर बच्चा है तो आप उसमें प्रीकियल आर्टरी जो है वो चेक करते हो सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चन इससे आ सकता है ऑल ऑफ द बाइन ऑफ सी पी आर कार्डियो पल्मनरी अरेस्ट सॉरी सी पी आर बोल रही हूँ कार्डियो पल्नरी अरेस्ट के सारे साइंस हैं बस एक नहीं है कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पी पी लिमिटेड स डायलेशन ऑफ पीपल एबसेंस ऑफ पल्स सो आपको पता है कि जो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स है वो क्या होता है अपॉइड टॉक्सिसिटी में ठीक है अपॉइड टॉक्सिसिटी अपॉइड का आया था एंटीडोट जिसको आप बोलते हो न ठीक है सो so साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होता है उसको भी लिख लिया करो सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल जो है अपॉइड टॉक्सिसिटी जब कोई बंदा अपॉइड ले लेता ले है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तब देखने को मिलता है बट ये सारी चीजें आपको कार्डियोपलमरी अरेस्ट में देखने को मिलेंगी नेक्स्ट है वॉट वुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर अ कार्डिक रेस्ट कार्डिक रेस्ट के इमीडिएटली आफ्टर आप क्या करोगे आप ही नफरिंदोगे चेक करोगी ब्रीदिंग चेक करोगे पल्स चेस्ट कंप्रेशं सो ऑब्वियसली आपको पता है कि इमिडिएटली आफ्टर अ कार्डिय रेस्ट अगर किसी को होता है तो सबसे पहले आपको सी पी आर देना स्टार्ट करना है चेस्ट कंप्रेशंस देनी स्टार्ट करोगे नेक्स्ट पर चलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर टू द पेशेंट हुज़ बीन डायग्नोज ऑफ हैविंग थ्राम्बोफेल्बाइटस इज सो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर एक्शन क्या रहेगा अगर किसी को थ्रोम्बोफेल्बाइटस है थ्राम्बोफेल्बाइटस क्या होता है वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जानी ठीक है वेन की इन्फ्लामेशन हुई उसमें थ्रॉम्बस फॉर्मेशन हो गई तो आप उसमें पेशेंट को क्या अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर दोगे एलिवेट करोगे क्लाइंट की लेग को नाइन्टी डिग्री अप्लाई करोगी हीटिंग पैट टू द इन वॉल्ड साइड इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट प्रोवाइड करोगे आफ्टर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू बोथ लेग्स सो अगर किसी को थ्रोम्बोफिल्बाइटिस होता है मतलब कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है लेग्स में सो so वो उसके चांसेस होते हैं एम्बोलाई बनने के ठीक है एम्बोलाई बनने की और वो जाके पल्नरी एरिया में जाके कार्डियो पल्नरी अरेस्ट करवा सकती है सो दैट्स वाई हम पेशेंट को कहते हैं कि चलना फिरना नहीं है कौन उसकी रिस्ट्रिक्ट करनी है मूवमेंट ठीक है चलना फिरना कॉन्स्ट्रिक्ट करना, करना है रिस्ट्रिक्ट करना है सॉरी ताकि वो चले फिले ना जिससे जो थॉम्बस है वो मूव करके एम्बोलाई बन के वो कहीं एरिया में जाके उसको अरेस्ट ना करवा दे सो so जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा नेक्स्ट पे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन क्या होता है जब मायोकार्डियल जो मसल्स है उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं हो रही जिसकी वजह से वहाँ पे मायोकार्डियल मसल जो है मेन मसल होती है हार्ट की जो कि हार्ट के एक्शन्स में हेल्प करती है ब्लड को पंप करने में सो so, मेडिकेशन क्या दोगे अगर किसी को इसमें सबसे ज़्यादा शार्प पेन होती है सो so, इसमें एक पेन मेडिकेशन दी जाती है वो कौन सी होती है पिथर्डिन हाइड्रोक्लोराइड टिक्लोफिनाक, कॉडीन सल्फेट मॉर्फिन सल्फेट। वो याद रखना इसमें हम मॉर्फिन सल्फेट जो है एनाल्जेसिक्स, जिसको बोल सकते हो या फिर पेन किलर जो बोल सकते हो वो देते हैं माओकार्डियल इन्फेक्शन में नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलिंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर आर्थियोसिक्लोरिस मतलब किसी पेशेंट को आर्थियोसिक्लॉसिस आर्थरी में आ, जो है प्लेग जमा हो गई है या फिर फैट जमा हो गया है ठीक है सो उसमें नॉन फाइ मॉडिफाइबल मतलब जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते वो रिस्क फैक्टर कौन सा होगा सिगरेट स्मोकिंग हाइपरलीपेडीमिया फीमेल ऑफ फिफ्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सो ऑब्वियसली किसी की एज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर वो फिफ्टी फाइव का है तो वो फिफ्टी फाइव का रहेगा फिफ्टी फोर या फिर फिफ्टी थ्री का नहीं होगा हो जाएगा सो दिस इज एन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन चाइल्ड विथ कार्डियोन द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इज अगर किसी पेशेंट को कार्डियोनॉमली होती है किसी बच्चे को तो मोस्ट कॉमनली और क्या देखने को मिलता है मेंटल रिटार्डेशन फिजिकल ग्रोथ क्लबिंग ऑफ फिंगर्स फीमेल हिस्ट्री अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज सो इस एमसीक्यू का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर किसी बच्चे को कार्डिक नॉमली होती है तो कॉमनली उस बच्चे में और क्या देखने को मिलता है इन चार ऑप्शन में से नेक्स्ट पे चलते हैं द नर्स इज रिव्यूइंग द दबसेस्ट्रिक हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट हु हैड एन अपर प्रसेंटा ब्रप्रटा है एक पेशेंट का और उसकी हिस्ट्री जो है रिव्यू कर रही है नर्स वट प्री नेटल कंडीशन डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव तो कौन सी कंडीशन जो है उस क्लाइंट को ऐसी देखने को मिलेगी जो कि इस डायग्नोज के साथ रिलेटेड होगी कार्डिक डिसीज हाइपरथायरोडिज्म गैस्ट्रेशनल हाइपर टेंशन सिफेलोपेल्विक डिस्पोपोशन आपने देखा होगा अगर आपने गेस्ट्रेशनल हाइपर टेंशन का टॉपिक अच्छे से किया है सो so उसकी कॉम्प्लिकेशन है एब्रॉपशियो प्लसेंटा ठीक है सो so, अगर मदर को प्री मतलब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होगी तो उसमें अब्रप्प्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा एब्रॉप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है यूट्रेन वॉल से जो प्लेसेंटा है वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है सो so, गेस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ आपकी प्लेसेंब्रोप्शियो प्लेसेंटा सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है बैच फटाफट से इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर लो देरी मत करो क्योंकि जब पेपर आ जाएगा फिर ज्वाइन करके आप ऐसे तैयारी स्टार्ट करते हो एकदम से फिर कवर कवर नहीं होता सिलेबस ठीक है सो so, इससे अच्छा है कि अभी से ही आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो ताकि आपको फिर जल्दी ना पड़े सो एम सी क्यू बैच है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एम सी क्यू बैच है एंड थ्योरी बैच है तीनों ही बहुत अच्छे बैच हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बैच हैं आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो एंड ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप पता कर सकते हो डिटेल्स ले दे सकते हो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूँ कल तीन बजे फिर से बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट